हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बना रहे हैं भिंडी वाली कढ़ी। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने खाई है, बट मैं तो पहली बार खाई और मैं बिल्कुल फ़ैन हो गई। तो सबसे पहले इसके लिए हम भिंडी छौंक लेंगे। इसमें सरसों का तेल डाला है, छौंकन डाला है, हरी मिर्च डाली है और थोड़े से प्याज डाले हैं फाइनली चॉप करके। ऐसे कोई फाइन चॉप नहीं करना है। और भिंडी को ऐसे दो भाग में मोटा मोटा काट लिए हैं। साथ में रफली चॉप्ड अदरक है। कोई महीन काम इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है। सिंपल प्याज और भिंडी को छौंका है और ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा स्वादानुसार नमक। थोड़ा कम ही कीजिएगा क्योंकि अभी आगे प्रोसेस में भी साल्ट जाएगा। तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी और इसको मिक्स करेंगे। और इसको ना हमें खुला पकाना है, मतलब ढक के नहीं पकाना है। और थोड़ा सा डालेंगे अमचूर, जिससे कि जो इसका चिकनाहट लेसा जैसा निकलता है ना, वो कम हो जाए। तो ये मेरी अच्छे से भिंडी फ्राई हो गई है। और दूसरी तरफ साइड बाय साइड हम दूसरा काम करते हैं। यहाँ मैंने 1 कप के करीब दही ली है। ये ना बहुत खट्टी है ना बहुत मीठी है। तो इसमें 2 चम्मच बेसन डालेंगे। बेसिकली हम कढ़ी का मिक्सचर तैयार कर रहे हैं, पर इसमें थोड़ा सा बेसन ज़्यादा गया है अकॉर्डिंग टू हमारे कढ़ी। तो इसको अच्छे से फेंट लेते हैं। थोड़ा सा हल्दी डालते हैं और इसके सारे लम्स को ख़त्म करके ढेर सारा पानी डालते हैं। जैसे कढ़ी बनाते हैं एकदम वैसे ही प्रोसेस रहेगा। और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं पानी डाल के, जिससे कि इसमें कोई लम्स ना पड़े हों, दही और बेसन आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर सेम पैन में, सेम कढ़ैया में मैंने सरसों के दाने डाले हैं। थोड़ा ज़्यादा डाला है, मुझे थोड़ा ज़्यादा सब पसंद है। और इसमें डाली हूँ थोड़ी सी हींग। और इसके बाद जब ये कड़क जाएगा अच्छे से, तो गैस को तेज करके हम बेसन और दही का मिक्सचर डालेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका दही और बेसन कढ़ी वाला जो मिक्सचर है कभी ना फटे, तो इसके 3 रूल्स हैं। एक तो आपको बराबर चलाते रहना है जब तक उबाल ना आ जाए, एक, और तेज आंच पे करिएगा ये कप। और तीसरा ये है कि नमक हमें पहले नहीं डालना है, जब उबाल आने लग जाए उसके बाद हम कढ़ी में नमक डालेंगे। तो ऐसे चलाते रहिए, तेज आंच पे चलाइए और नमक बाद में डालिएगा। तो आप देखेंगे आपकी कभी भी दही की सब्जी हो, कढ़ी हो, कभी भी नहीं फटेगी। मुझे थोड़ा हल्दी कम लग रहा था इस स्टेज पे, तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है कलर के लिए। स्वाद के लिए लाल मिर्चा डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं, ग्रीन चिली, ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। और कढ़ी को अच्छे से फदकने देंगे। और इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ, जिससे कि टेस्ट जो है कढ़ी का बैलेंस हो सके। आप देखिए कढ़ी धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो गई है। तो इस स्टेज पे मैं नमक डाल रही हूँ स्वादानुसार। पहले भिंडी में भी नमक गया है और बाद में कढ़ी में भी। थोड़ा कम डालिएगा, टेस्ट कर लीजिएगा, अगर लगता है कम है तो और डाल लीजिएगा। यहाँ देखिए मेरी कढ़ी काफ़ी खदकते खदकते गाढ़ा होते होते कम हो गई है। तो अब इस स्टेज पे मैं भिंडी डाल दूंगी। तो ये हो गई मेरी भिंडी वाली कढ़ी। और ट्रस्ट मी गाइस, मैं इसकी फ़ैन हो गई। मैं आपको बताऊँ, इससे पहले मैंने कभी नहीं खाई थी भिंडी ऐसे। हाँ, मेरी मम्मी जो है वो भिंडी की रस्सेदार सब्जी बनाती हैं, वो भी बहुत टेस्टी अमेजिंग होती है, कभी वो भी शेयर करूँगी। बट मैं इस कढ़ी, भिंडी की कढ़ी के साथ भी बहुत फ़ैन हो गई हूँ। तो मेरी भिंडी की कढ़ी रेडी हो गई थी, तो मैं इसके ऊपर से लिए तड़का बना रही हूँ, जिससे कि स्वाद में और भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ देसी घी ले लिया है, थोड़ा सा राई डाल रही हूँ और थोड़ा सा हींग डालूंगी स्वाद के अनुसार। अगर आप अवॉइड करना चाहें तो बिल्कुल अवॉइड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे कढ़ी निकाल ली है, जब ऊपर से डालना होगा तब कलर वाली लाल मिर्ची डाल के इसके ऊपर से पोर कर देंगे। और ये मेरी दही वाली कढ़ी बनके तैयार है। ये बहुत टेस्टी थी सच में। आप इसको चावल से खाइए, रोटी के साथ खाइए, ये अमेजिंग थी। और ये मैंने एक रील में देखा था इंस्टाग्राम पे और इसको फटाफट से बना लिया है। तो चलिए सर्व कर लेते हैं मेरी फेवरेट प्लेट, चावल, भिंडी वाली कढ़ी और चोखे के साथ में अपना सिंपल सा भोजन, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। भिंडी और कढ़ी मेरी अलग अलग भी बहुत फेवरेट है, और अब तो ये डबल हो गई। बाय बाय गाइस।